मुंबई के सांताक्रूज इलाके में गैलेक्सी होटल में लगी भीषण आग, 3 लोगों की मौत, 5 घायल। 2.5 साल में मुंबई की सड़कें गड्ढों से मुक्त हो जाएंगी, सीएम एकनाथ शिंदे। लव जिहाद मामला, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा विधायक के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य का विरोध किया। ऑनलाइन गेम का विज्ञापन, शाहरुख खान के घर के सामने विरोध प्रदर्शन, मुंबई पुलिस ने दिखाई सकती। मौसम का मिजाज, 4 सप्ताह से रोजाना औसतन 2 से 3 मिलीमीटर बरसात मुंबई में, 24 घंटे में मुंबई में 44 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुंबई में इंडिया बैठक की सभी तैयारियां पूरी, 31 अगस्त को लॉन्च होगा विपक्षी गठबंधन का लोगो, 1 सितंबर को मुंबई में राहुल गांधी का रोड शो। थाने में अवैध झोपड़ियों पर लगातार जारी है मनपा की कार्रवाई, आपको बता दें फिर ना हो पूर्ण निर्माण, इसलिए मनपा ने खाड़ी में पोकलेन से खोदे गड्ढे। गहलोत साहब ने कुछ लोग भेजे हैं, 5 मिनट अपना कार्यक्रम करके चले जाएंगे, गंगापुर की रैली में बोले गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी में आज ऐसे कई लोग हैं जिनके पूर्वजों ने मुगलों को अपनी बेटियां बहने दी, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा। देश चलाने वाली सभी एजेंसियों पर एक गुट का कब्जा, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों की खोज करना मेरे जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है, इसरो चीफ। 2014 से 5 बार एनसीपी बीजेपी में सरकार बनाने पर चर्चा, शरद पवार को सब पता था, हसन मुशरीफ। चंद्रयान 3 की सफलता ने जश्न को कई गुना तक बढ़ा दिया है, मन की बात के 104वें एपिसोड के दौरान बोले पीएम मोदी। भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यात्रा करने की क्षमता है, लेकिन हमें अधिक निवेश की आवश्यकता, एस सोमनाथ। 5 साल में गुजरात सरकार ने अडानी की कंपनियों को दिए 3,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान, गुजरात कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को समाप्त करने के खिलाफ पेश होने वाले लेक्चरर निलंबित, लेक्चरर जाहूर अहमद भट्ट पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लिया एक्शन। G20 सम्मेलन की वजह से सितंबर में दिल्ली में कुछ पाबंदियां लागू रहेंगी, इस दौरान दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे।